सेटअप में आपका भरा दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले टाटा पावर्स कंपनी लिमिटेड के बारे में, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कल का था उसमें हमें दिखाई दिया है कि 230 इसका बेस प्राइस में बंद हुआ है। क्लोज प्राइस था 1 अगस्त, 3% की तेज़ी आ गया है दोस्तों। सारे सेक्टर बढ़ रहा था जब निफ्टी रिकवर कर रहा था, लेकिन टाटा पावर बढ़ा नहीं था दोस्तों। अभी भी इसमें मौका है। अगर आपको 10 से 20% आपको बहुत बहुत ही शॉर्ट टर्म में कमाना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि सारे सेक्टर भाग गया लेकिन पावर सेक्टर में टाटा पावर नहीं बढ़ा। तो टाटा पावर में अभी भी बढ़ने का बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी और बहुत ज़्यादा आपका मीट परफॉर्मर है। मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है और हाई एंड लो देख सकते हो 298 का आपका 52-week हाई है, और मुझे लगता है कि इस बार ये 298 को क्रॉस करते हुए 300 की तरफ मूव हो सकता है दोस्तों। तो अभी भी आपको मिनिमम 10 से 20% बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट आ सकता है। निफ्टी थोड़ा सा इसका साथ दे दे, निफ्टी बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो निफ्टी 16,450 के आसपास थोड़ा सा रिट्रेस करके जब फिर से अप मूव होगा दोस्तों, तो उसमें टाटा पावर आपको 298 को भी तोड़ता हुआ दिखेगा। डिविडेंड बहुत कम देता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी ठीक ठाक है, 10% से कम है लेकिन फिर भी ठीक है, 9.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 8% के आसपास है, फेस वैल्यू 1 है। अभी चार्ट में देख लेते हैं, जैसे कल जस्ट ब्रेकआउट देते देते ये स्टॉक जो है आपका यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट देते देते अब कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो इस पे और ब्रेकअप कब देगा ब्रेकआउट, 233 के लेवल जब भी क्रॉस करेगा दोस्तों, क्लियर चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, 233 का जब भी लेवल क्रॉस करेगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा और फिर टू अपना लाइफ टाइम हाई मतलब 298 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। गुड क्वार्टर रिटर्न का कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है और हेल्दी डिविडेंड मतलब 39.09% आपको हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करता है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, अर्निंग इंक्लूड इनकम आधार थोड़ा कम है और इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है दोस्तों, ये सब जो नेगेटिव पॉइंट थोड़ा बहुत है इसमें आपका काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बेफिक्र होकर इस स्टॉक में काम कर सकते हो क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट पावर सेक्टर में मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, और ना ही इंडिया में, एशिया में भी बहुत बड़ा कंपनी है ये पावर सेक्टर। सबसे ज़्यादा पावर प्लांट ये आपका टाटा पावर के पास है और इसको दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो भी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पावर स्टेशन चार्जिंग स्टेशन बनाना है इसका ऑर्डर मिला हुआ है। तो आने वाला बहुत कुछ कैपेसिटी इसके पास है, अदानी पावर अदानी NTPC इसके साथ इसका कंपेयर किया जाता है। सेल्स ग्रोथ जून में देख सकते हो कि 3,000 करोड़ बढ़ा, उस हिसाब से एक्सपेंस भी बढ़ा और जस्ट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 400 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और EPS भी उस हिसाब से देखो सीधा सीधा 2.49 करोड़ बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 200 करोड़ बढ़ा। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है और जो ये जो चौंकाने वाला इतना अच्छा आपका बुलेटिन रिजल्ट दिया है तो इसका सीधा सीधा शेयर पे असर आता हुआ दिखेगा और आना भी शुरू हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% अप मूव था तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 3 ईयर्स में CAGR देखो 57%, मतलब आपको सब कुछ पेड करने के बाद भी 57% का रिटर्न, और 1 ईयर का तो छोड़ ही दो 73%, मतलब अगर 1 लाख लगाए होते तो 73 मतलब 70,000 170,000 एक साल में हो जाता। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखो 3 ईयर्स में 6%, तो ये बहुत अच्छा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, गवर्नमेंट का होल्डिंग भी 0.32% है, पब्लिक का होल्डिंग 2% बढ़ा है, DIA का होल्डिंग थोड़ा कम हो गया और FII का होल्डिंग भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भर भर के DIA और FII बाई कर रहा है और पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन FII और DIA का होल्डिंग, FII सबसे ज़्यादा अभी टाटा पावर में बाई कर रहा है दोस्तों, जो आने वाला है सितंबर क्वार्टर में आपको अच्छे से पता चलेगा। कंपनी का अभी देख लेते हैं, कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ कुछ है कि नहीं। 15 जून को लेटेस्ट डिविडेंड दिया है 1.75 पैसे का, तो 17 जून को फिर से डिविडेंड दिया है, तो दो बार डिविडेंड दिया है क्योंकि जून क्वार्टर में इसका बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा आपका प्रॉफिट हुआ है दोस्तों,
और बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, तो उस हिसाब से आपका डिविडेंड दो बार दे दिया है। तो आप देख सकते हो ऐसे स्टॉक में आपको पोजीशन होना चाहिए। मिड रेंज परफॉर्मर है और 89% 52-week लो से 89% गेन कर चुका है, तो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा गेन करेगा। ये आपका लो के कंपेयर में दिखा रहा है, लेकिन आपका 52-week हाई के कंपेयर में नहीं दिखा रहा है। 52-week हाई के कंपेयर में दिखाएगा तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। अभी देखो 59 जो बेस्ट लेवल है, RSI 59 में है और MFI भी 57 में है, और बुलिश इंडिकेटर जस्ट क्रिएट हुआ है 2% पे आके, तो ये बेस्ट एंट्री लेवल है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से ये सिग्नल जो बुलिश इंडिकेटर दिखा रहा है दोस्तों, ये ऐसे नहीं बनता है, बहुत सारा टेक्निकल इशू सॉल्व करने के बाद बनता है। वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन हुआ है तभी 57.9, और RSI भी बहुत ब्यूटीफुल जगह पे है दोस्तों, तो यहाँ से एक शानदार तेज़ी आ सकता है स्टॉक में दोस्तों। तो और मुझे लगता है कि 298 का लेवल को भी इस बार क्रॉस कर देगा और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दे सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों ऐसे वीडियो लाने के लिए। और अभी एक चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, चार्ट भी थोड़ा इसको दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि 233 का जो लेवल है, देखो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आना चाहिए दोस्तों। 233 लेवल का फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा तो आपका 298 की तरफ आपको आगे मूव होता दिखेगा। आप लोग अगर करंट मार्केट प्राइस में पोजीशन बना सकते हो तो बनाने के लिए मैं बोलूँगा 233 लेवल को पहले इसको ब्रेकआउट करने दो। 233 लेवल का जहाँ टूट जाएगा तब आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो दोस्तों। और जो एग्रेसिव बायर है वो अभी भी एंट्री लेके आपका बाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि 298 इसका पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद ये भले ही और आगे बढ़े लेकिन 298 आपको सीधा सीधा यहाँ से टारगेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका 233 के बाद इसका रेजिस्टेंस है ही नहीं। और बेस्ट टाइम रहेगा ऐसे बाई करने के लिए, RSI MFI दोनों टेक्निकल इंडिकेटर आपका पॉजिटिव में है और बुलिश इंडिकेटर शो कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो आपके चैनल।